Hey guys, Assalamualaikum. This is Rubia Sajid. Welcomes you back to my channel, My Passion for Cooking. आज हमने बनाया है मटन कीमा रोल्स, जो बहुत ही ज़्यादा यम बनकर तैयार हुए थे. इसको बनाना भी बहुत आसान है. कीमे को अच्छे से भून लिया और फिर सॉफ्ट से पराठे में इसे स्टफ़ कर दिया. जब से मैंने इस वर्जन को अपने घर में ट्राई किया है ना गाइस, दिस इज़ द मोस्ट मेड डिश एट आवर हाउस. हमारे बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आया था. अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ डोंट forget to like, share and subscribe. Without further ado, let's begin. पैन में हम सबसे पहले ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून उतना ऑयल और हल्का सा गर्म होने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च. इसको हल्का सा सॉटे करेंगे और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे 2 बारीक कटी हुई प्याज, जो ऑलमोस्ट मीडियम साइज की हैं. इसको भी हम हल्का सा ट्रांसलूसेंट होने तक भून लेंगे. फिर इसमें जाएंगे सूखे मसाले, जैसे कि रेड चिली पाउडर 3/4 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, मीट मसाला 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून. इसको हम अच्छे से इसमें ऐड कर देंगे और मसालों को हल्का सा भून लेंगे. जब ये हल्का सा पक जाएं, तब हम इसमें ऐड कर देंगे कर्ड. दही को भी आप अच्छे से भून लीजिए, वरना उसकी छोटी छोटी गुठलियाँ उसमें रह जाएंगी. फिर हम इसमें ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून और अच्छे से इसको भी फ्राई कर लेंगे. नेक्स्ट आएगा हमारा मटन कीमा, जो है 1/2 केजी उतना, जिसको हमने पहले से ही वॉश एंड ड्रेन कर कर रख लिया है. और फिर हम इसको भी ऐड कर कर मसालों में अच्छे से भून लेंगे. यहाँ पर ख्याल रखिएगा गाइस, हमें इसमें पानी हरगिज़ ऐड नहीं करना है. कीमा अपना पानी अपने आप रिलीज़ करेगा और हमारा कीमा इसी में भुनकर पक जाएगा. इसको हम ढक कर पका लेंगे ऑलमोस्ट फॉर 10 मिनट्स ऑन सिम फ्लेम. ये देखिए गाइस, हमारा भुना कीमा बनकर कितनी अच्छे तरीके से, मतलब पक कर बिल्कुल तैयार है. फिर हम एक फ्रेशनेस टच ऐड करने के लिए इसमें डाल देंगे कोरिएंडर और पुदीना. तो ये लीजिए गाइस, हमारा भुना कीमा बनकर बिल्कुल तैयार है. नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे पराठों के लिए तैयारी, जिसके लिए हमने मैदा 1/2 केजी उतना छान लिया है. और इसमें ऐड कर देंगे 1/2 से 1 टीस्पून उतना नमक. और नेक्स्ट इसमें जाएगा 1 अंडा. अंडे को ऐड करने से पराठे हमारे ऑलमोस्ट सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे. पानी अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा और सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार कर लीजिएगा. फिर हम इसे रेस्ट करने रखेंगे हल्का सा तेल ऐड कर. ऑलमोस्ट फॉर 15 मिनट्स रख दीजिएगा इसे ढककर. तो ये देखिए गाइस, हमारा डो ऑलमोस्ट 15 मिनट्स रखने के बाद इतना सॉफ्ट बनकर तैयार हो गया है. इसके हम छोटी छोटी सी लोई बनाएंगे बिल्कुल इस तरीके से. और जैसे आप देख रहे हो, आपको पता चल रहा होगा कि कितना सॉफ्ट डो बनकर ये तैयार हुआ है. आप भी सॉफ्ट डो ज़रूर से बनाइएगा, ताकि आपके पराठे एकदम से सॉफ्ट बनकर आएंगे. और बिल्कुल इस तरीके से हमें फ्लैटन करना है इसे. और फिर हम इस पर लगाएंगे 1 टीस्पून उतना ऑयल और अच्छे से स्प्रेड कर बीच से इस तरीके से कट लगा देंगे. और इस ट्रायंगल शेप में हमें इसे फोल्ड करते चले जाना है, जैसे कि अभी आप देख रहे हो. और सेंटर पोर्शन से देखिए, बिल्कुल इस तरीके से आप पराठे को ओपन कर लेंगे. दोबारा से हम इस पर सूखा आटा छिड़केंगे और इसे बेल लेंगे. मगर आप बेलते हुए ये ज़रूर ख्याल रखिएगा कि इसको हमें ज़्यादा पतला नहीं बेलना. अगर आप इसे पतला बेलोगे तो ये पक कर कड़क बनेगी. इसीलिए आप इसे हल्का सा मोटा रखिएगा, ताकि ये पक कर नरम और फ्लफी बने. इस तरीके से पराठा हम तवे पर डाल देंगे और वेट करेंगे कि इस तरह से छोटे छोटे बबल्स हमारे पराठे पर नज़र आएं. उसके बाद हम इसे पलटेंगे बिल्कुल ऐसे. देखिए कितना अच्छा रंग निखर कर आया है इसका.
और फिर हम इसे ऊपर से 1 टेबलस्पून उतना ऑयल लगा देंगे और इसे दोबारा से फ्लिप कर लेंगे। और नेक्स्ट हम लेंगे 2 व्हिस्क एग और इसमें हमने हल्का सा नमक डालकर अंडे को विस्क किया है और हाफ ऑफ द एग इस तरह से पराठे पर स्प्रेड कर लेंगे। ऊपर से बस मैंने काली मिर्च हल्का सा छिड़क दिया है और फिर हम इसे फ्लिप कर भी पका लेंगे। और ये बिल्कुल हमारा पराठा रोल होने के लिए तैयार है। Now it's time to stuff up our paratha. तो हमने बिल्कुल इस तरीके से हमारा भुना खीमे का मिक्सचर अपने पराठे पर ऐसे जेनरस अमाउंट में 2 to 3 टेबलस्पून उतना प्लेस कर दिया है और फिर हम इसमें ऐड करेंगे स्लाइस्ड अनियंस फॉर दैट क्रंची टेस्ट। फिर हम ऊपर से इस तरीके से लेमन को स्क्वीज कर देंगे फॉर द टैंगी टेस्ट। एंड दैट्स इट गाइस, हमें इसको केयरफुली रोल करना है बिल्कुल इस तरीके से। और फिर आप बीच से इस तरीके से स्लिट कर लीजिएगा एंड यू आर गुड टू गो। तो ये लीजिए गाइस, हमारा मटन कीमा रोल बनकर बिल्कुल तैयार है आपके सामने। क्यों थी ना ये इतनी आसान सी डिश, आप इसको अपने घरों में ज़रूर से ट्राई कीजिएगा एंड आई श्योर यू गाइस कि यू आर गोना लव इट। बस मैंने एक्स्ट्रा क्रंच के लिए हल्का सा ऑनियन स्लाइसेस और केचप के साथ इसे सर्व किया था। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को अपने दुआओं में याद रखिएगा। मच लव गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल, अस्सलाम वालेकुम।